नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता दिसंबर का आज का पहला सवाल। संघाई सहयोग संगठन की सरकारों के प्रतिनिधियों की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ए उपराष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री या डी राष्ट्रपति? वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कृपया ध्यान दें कि अपना जवाब देने के बाद स्क्रीनशॉट को अपने पास सुरक्षित रख लें। प्रतियोगिता की समाप्ति के बाद नियम एवं शर्त के अनुसार भेजकर अपना उपहार प्राप्त करना होगा। नवगछिया के मदन अहिल्या कॉलेज रोड में क्रिएटिव होम डेकोर का भव्य शुभारंभ। नौगछिया के मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय रोड हरनाचक में क्रिएटिव होम डेकोर का भव्य उद्घाटन नौगछिया भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद कुमार मंडल ने फीता काट कर किया। वहीं मौके पर श्री मंडल ने कहा कि नौगछिया अनुमंडल क्षेत्र में नए एवं पुराने डिजाइन के घरों की सजावट हेतु दुकान की अति आवश्यकता थी। जिस तरह दुकान खुला है, इससे आम लोगों को भी अपने घरों को काफी आकर्षक और सुंदर सजावट के साथ तैयार कर सकेंगे। घरों व ऑफिस व दुकानों के लिए यह वरदान साबित होगा। वहीं मौके पर दुकान के संचालक ने बताया कि उनके दुकान में काफी सस्ते मूल्य पर एक से बढ़कर एक 2D, 3D, 4D, 5D हर तरह के वॉलपेपर उपलब्ध हैं। जो लोग रंग रोहन से अपना घर तैयार करते हैं और 2-3 साल में रंग पेंट उतर जाता है, वही इस वॉलपेपर को अपने पसंद से लगवा सकते हैं, जिसमें 7 वर्ष तक कहीं कुछ नहीं होता है, ना ही इसका रंग जाता है और ही ना ही यह उखड़ता है। यहां तक कि यह भी पता नहीं चलता है कि किस तरह चिपकाया गया है। क्रिएटिव होम डेकोर के खुलने से आसपास के लोगों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। हर तरह के लोग दुकान पहुंचकर वॉलपेपर देखने की तैयारी में है। नौगछिया मकदपुर चौक के बगल में हरनाचक में आज क्रिएटिव होम डेकोरेशन खोला गया है, जिसका हम लोग अभी पूजा समारोह में शामिल हुए। और इस होम डेकोरेशन का जो एक सबसे बड़ी खासियत है कि ये अपने नौगछिया में एक भी दुकान इस प्रकार का नहीं है, और ये नए सिरे से पहला आज इस कार्तिक पूर्णिमा का एक महत्वपूर्ण दिन भी आज है, और इस शुभ घड़ी में इसका उद्घाटन हम लोगों ने किया है आज। और ये नौगछिया में जो लोग कराते थे और हम लोग के भी नज़र में जहाँ भी हम लोग भी कराते थे, तो कहीं ना कहीं बाहर से लोगों को बुला के करते थे, और यहाँ भागलपुर में एक जगह शायद है कहीं, लेकिन मेरे नौगछिया अनुमंडल में ये होम डेकोरेशन का किसी प्रकार की कोई सुविधा थी नहीं, और आज से हम लोगों को यहाँ सुविधा हो गई, क्योंकि आसानी से लोग अपने पसंद के हिसाब से अपने घर को, अपने हॉल को, अपने कमरे को डेकोरेट करा सकेंगे, और ये बेहतर सेवा भी देगी, ऐसे मुझे आशा और विश्वास। परिचय दें और बताइए किस तरह का दुकान है और यहाँ क्या उपलब्ध है आपके पास? जी, हमारा नाम हुआ बादल कुमार, ठीक है। मैं क्रिएटिव होम डेकोर का ओनर हूँ, ठीक है। आज मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा जो आप लोगों के लिए कुछ नया है और बिल्कुल अट्रैक्टिव है, कि जो कि देखने के साथ आपको लगेगा अरे भाई ये तो कुछ नया है, जो कि हमारे नौगछिया शहर के लिए पहली बार होने जा रहा है, ठीक है। हम लोग डील करते हैं वॉलपेपर वगैरह सब में, 3D फॉर्म पैनल वगैरह सब में, जो कि हम लोग कहीं भी बाहर शहर या अपने आसपास के होटल रेस्टोरेंट वगैरह सब में जाते हैं, तो हम लोगों को उसके वॉल पर और सीलिंग पर एक अट्रैक्टिव टाइप का डिज़ाइन देखने को मिलता है, तो लोगों को पता नहीं है वो क्या है, वो आज हम बताते हैं। वो वॉलपेपर है जिसको लेके हम लोग डील करते हैं, ठीक है। वॉलपेपर में हम लोगों के पास 3D, 4D, 5D, 7D आप लोगों को जिस तरह का चाहे, वो आपका खुद का भी इमेज क्यों ना हो, हम आपके वॉल पर आपके खुद का या आपके चॉइस के डिज़ाइन को हम लोग उतार सकते हैं। कई शहरों में देखते हैं तो हम लोगों को लगता है कि ये क्या है, कुछ नया है, ये बहुत महंगा होगा, लेकिन हम आज आपको बताते हैं कि ये बहुत ही चीप पड़ता है, ये आप इसे आप पेंट के खर्च में ही अपने दीवार को खूबसूरत बना सकते हैं। हमारा उद्देश्य ये है बस हमारे क्षेत्र के लोगों को ये बताना कि आप बहुत ही कम प्राइस पर अपने घरों को
को एट्रैक्टिव और सुंदर बना सकते हैं। और जहां तक बात रही इसकी लाइफ की, तो आपको पेंट भी हर एक 3-4 साल में 2 बार करना पड़ता है, लेकिन हमारे वॉलपेपर की वारंटी आपको मिलेगी पूरे के पूरे 8 साल, ना ही कलर जाएगा ना ही इसका जॉइंट हटेगा। उसके बाद यदि इस पर गंदा लग जाता है तो हम लोग आराम से नॉर्मल कपड़े से भिगा कर इसको साफ कर सकते हैं। एक बार आइए हमारे शॉप पर, देखिए कि क्या है, क्यों है, कैसे है, आप लोगों को अच्छा बिल्कुल लगेगा। आइए पधारिए। आपके दुकान का पता कैसे आएंगे लोग? हमारी दुकान का पता है जी, हमारे दुकान का पता है मदन एलिया कॉलेज रोड, नियर में मीरा मैरिज पैलेस हॉल, उनके निकट है। क्या नाम है दुकान का? दुकान का नाम है क्रिएटिव होम डेकोर। मैं आप सभी नवोचिया वासियों को बता दूं कि हम लोग के लिए बहुत सी खूबसूरत डिजाइनिंग जो हमें बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट जैसे में देखने को मिलती है, वो अब हमारे शहर नवोचिया में होम डेकोरेट का ओपनिंग आज हो चुकी है। तो मैं सभी से आग्रह करता हूं कि आप एक बार अवश्य यहां पधारें और कम चीप एंड बेस्ट में आपको यहां, जैसे आपकी पेंट की खरीदारी होती है उसी रेट में आपको यहां HD क्वालिटी का वॉलपेपर मिलेगी, और एक बार अवश्य पधारें। धन्यवाद। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर, संपर्क सूत्र 9661904817, 7992499821। नवगछिया जगतपति नाथ महादेव मंदिर के शिवगंगा में देव दीपावली पर भव्य आयोजन। नवगछिया के जगतपति नाथ महादेव मंदिर गोपाल गौशाला में स्थित शिवगंगा में दीप दीपावली पर भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नवगछिया नगर पंचायत अध्यक्ष प्रीति कुमारी एवं नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि समाज सेवी प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव ने कार्यक्रम की शुरुआत आरती दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर गंगा आरती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन घाट संख्या 1 से पंडित वैदिक ललित जी शास्त्री कर रहे थे। इसके अलावा शिवगंगा के 2 घाटों पर घाट संख्या 2 से विशंबर झा एवं घाट 3 पर अजीत शर्मा अपने यजमान के साथ गंगा आरती में थे। मौके पर सैकड़ों की संख्या में भक्त मौजूद थे जो मास्क पहने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। मौके पर जगतपति नाथ महादेव मंदिर कमेटी एवं महाशिवरात्रि कमेटी के सदस्यों द्वारा भरपूर सहयोग किया गया। देव दीपावली पर शिवगंगा घाट पर 5,000 से अधिक की संख्या में दिए जलाए गए। कार्यक्रम के समापन के बाद लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। मैं वैदिक ललित शास्त्री, आज देव दीपावली के 52 अवसर पर शिवरात्रि कमेटी की ओर से आयोजित गत वर्ष से यह देव दीपावली अलौकिक रूप लेता जा रहा है। इस बार यहाँ पर जो है 3 घाट बनाए गए थे, तीनों घाट से एक साथ महाआरती का कार्यक्रम संपादित हुआ, और नगर पंचायत के जितने भी धर्मानुरागी सज्जन वृंद हैं और नगर पंचायत के अलावा अन्यान्य बहुत सारे पंचायतों के लोगों की यहाँ उपस्थिति थी, और सबों के सहयोग से यह कार्यक्रम गत वर्ष से आरंभ होकर और नित्य प्रति अपने धारण कर रही है। अतः अन्य अन्य जितने भी लोग अभी तक यहाँ आ पाए इस देव दीपावली के हम लोग छिया, आज बहुत ही बड़ा ही शुभ दिन है कि इस बड़े आयोजन में नगछिया श्री गोपाल गौशाला नगछिया में बहुत बड़ा आयोजन होने गया। ये देव दीपावली आज हम लोगों ने सभी लोग ने मिलकर इस दीपक प्रज्वलित से गंगा मैया को रिझाया, खासकर गंगा मैया की आरती की, और बहुत ही दिव्य आयोजन हुआ। यहाँ भक्त आए, राजी खुशी सब काम संपन्न हुआ, सब अपने अपने दिल से आशीर्वाद दिए। नवगछिया के नगर में मनाया गया देव दीपावली। नवगछिया के नगर में हर्षोल्लास से स्वामी आगमानंद जी महाराज के निर्देशन में नगर के श्री लक्ष्मी वेंकटेश मंदिर, ललितेश्वर महादेव मंदिर, माँ बिसहरी माता मंदिर, दुर्गा मंदिर एवं हरदौल बाबा मंदिर में गांव के सभी भक्तों द्वारा दीप जलाकर देव दीपावली मनाई गई। मौके पर दर्जनों भक्त मौजूद थे।
उक्त जानकारी युवा समाज सेवी अभिनव मानस ने दी। स्वास्थ्य मनुष्य का अनमोल धन, हर्बल उद्योग से बदलेगी तस्वीर। नौगछिया प्रखंड के मददपुर में केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे एक हर्बल उद्योग का उद्घाटन में पहुंचे। हर्बल उद्योग के उद्घाटन के उपरांत उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था, इसी के तहत आत्मनिर्भर बिहार का यह पहला कार्यक्रम है। अंग जनपद का यह पहला हर्बल उद्योग है जो अंग जनपद के साथ साथ पूरे बिहार के लिए लाभप्रद होगा। उन्होंने कहा कि 2017 की जो हमारी स्वास्थ्य नीति रही वह सर्वे संतु निरामया पर आधारित रही, अर्थात जो भी मनुष्य से वे स्वास्थ्य रहे। पूरे देश भर में जो प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद होम्योपैथ एलोपैथ है, इससे ज्यादा जनता स्वास्थ्य व सुखी रह सके, समृद्ध हो सके। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मनुष्य का एक बहुमूल्य धन है। वहीं मौके पर जिलाध्यक्ष विनोद मंडल, सत्यनारायण चौधरी कौशल, सत्य प्रकाश झा, भोला कुमार, मनोज पांडे, हैप्पी आनंद भारद्वाज सहित कई अन्य मौजूद थे। कि आज अंग जनपद के इस प्रांगण में जो नौगछिया का यह क्षेत्र है बहुत ही उपयोगी क्षेत्र है। आप सब लोग परिचय शायद सबका वाकिफ हो गए हो। एक बार क्षमेंद्र बाबू का तो पूर्व कुलपति डॉक्टर क्षमेंद्र कुमार सिंह और विश्वविद्यालय क्षमेंद्र बाबू वहाँ के भाई चांसलर भी रहे, प्रोफेसर रहे TMB लॉ यूनिवर्सिटी के, और मनीषा जी जो इनकी पत्नी हैं, नवास चंद्र सिंह जी की पत्नी हैं, चंद्रशेखरम जी हमारे बालकाल के मित्र हैं, इसे पत्रकार भी कह लीजिए, और इनके ही प्रयास से मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। खगड़िया में रहते आप डॉक्टर पंकज बहुत बड़े न्यूरो सर्जन हैं और दिल्ली से मेरी बहुत पहले बातचीत हुई, और अब भागलपुर में आकर के इन्होंने अभी हाल में अपना बहुत बेस्ट न्यूरो सर्जन है जिसकी कमी थी वो पूरा करेंगे। ये तो परिचय है जरूर जी मंडल, अरुण कुमार सिंह प्रदेश कार्य समिति में है भारतीय जनता पार्टी के। नौगछिया प्रखंड मुख्यालय परिसर के मनरेगा भवन से बरामद हुई एक महिला का शव, साड़ी के आंचल से अज्ञात महिला की गला घोंटकर हत्या। नौगछिया में अपराधी ने अपराधी घटना को अंजाम देते हुए दुस्साहस का परिचय दिया है। अपराधी ने एक अज्ञात महिला उम्र 40 वर्ष हत्या कर उसके शव को नौगछिया प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित निर्माणाधीन मनरेगा भवन में छुपा दिया। सोमवार की दोपहर निर्माणाधीन भवन की दीवार से सटे महिला का शव जब देखा गया तो आसपास सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों के द्वारा इसकी सूचना नौगछिया पुलिस को दी गई। प्रखंड मुख्यालय परिसर के पीछे शव मिलने की सूचना मिलते ही नौगछिया थाना अध्यक्ष, पुलिस निरीक्षक अमर विश्वास, अवर निरीक्षक राजकुमार सिंह, अवर निरीक्षक हरि शंकर कश्यप, महिला थाना अध्यक्ष श्वेता कुमारी स्थल पर पहुंची। पुलिस ने उक्त स्थल से शव को देखने के साथ छानबीन किया। महिला की हत्या साड़ी का फंदा बनाकर गला घोटकर की गई है। महिला के गले में स्थल पर भी साड़ी का फंदा लिपटा हुआ था। महिला के गले पर गला घोंट के निशान भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। महिला ब्लू रंग की सूती साड़ी जिस पर लाल रंग का पार बना हुआ है, बैंगनी रंग का ब्लाउज, लाल रंग का पेटीकोट पहने हुई है। इसके अलावा हाथ में लाल रंग की चूड़ी, गले में ब्लू रंग के मोती का मंगलसूत्र, काले रंग के धागे की बद्दी भी पहने हुई है। महिला के पैर रंगे हुए थे। महिला के पास एक काले एवं लाल रंग की चेकदार चादर भी पाया गया है। महिला का चप्पल भी घटनास्थल के पास से बरामद किया गया है। घटनास्थल के आसपास घसीटे जाने के भी निशान हैं। स्थल को देखने से यह स्पष्ट है कि अपराधी ने महिला को स्थल पर जबरन घसीटकर वहां पर लाया। वहीं पर महिला को उसी की पहनी हुई साड़ी के आंचल का फंदा बनाकर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद अपराधियों ने महिला के शव को निर्माणाधीन भवन के दीवाल में सटाकर छोड़कर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने शव बरामद स्थल का पूरी बारीकी से अवलोकन किया। इस दौरान पुलिस ने शव की शिनाख्त को लेकर स्थानीय लोगों से पूछताछ की है, लेकिन किसी ने शव की शिनाख्त नहीं की। पुलिस ने पंचनामा तैयार कर महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया। नौगछिया थाना अध्यक्ष अमर विश्वास ने कहा कि घटना के संदर्भ में हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। महिला की पहचान के लिए पुलिस प्रयासरत है। महिला के फोटो को सोशल मीडिया पर भी डाल दिया गया है। महिला के शव को शिनाख्त के लिए 72 घंटे तक सुरक्षित रखा जाएगा। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। गंगा घाट में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। नारायणपुर प्रखंड के गंगा घाट, बलहा, चक्रामी, मथुरापुर, जहाज घाट,
नारायणपुर में सोमवार को कार्तिक पूर्णिमा को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ अहले सुबह से स्नान करने को लेकर दिन भर तांता लगा रहा। श्रद्धालु गंगा स्नान कर मेला से बैर लाय जिलेबी सहित मनोकामना पूर्ण होने पर पाठी का चढ़ावा गंगा में कर रहे थे। महिलाएं नवविवाहिता कुंवारी कन्या दीप प्रज्वलित कर गंगा नदी में जलाकर प्रवाहित कर रही थी। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भवानीपुर पुलिस जगह जगह पर तैनात थे। इस दौरान मथुरापुर बाजार सहित चौक चौराहे पर भीड़ लगी रही। कृपया ध्यान दें कि अब खबर एक मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई फर्स्ट फ्लोर ऑटो स्टैंड नवगछिया NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल चाउमीन मोमोज बिरयानी नूडल्स सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड राजेंद्र कॉलोनी मोड स्टेशन के सामने नवगछिया। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड रेडियम बोर्ड नेम प्लेट नंबर प्लेट ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट गौशाला रोड पुरानी गैस ऑफिस के सामने नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773-9943-67-170। हथियारों से लैस अपराधी ने ठेकेदार से मांगी रंगदारी। पीड़ित ठेकेदार ने थाने में दिया आवेदन। गोपालपुर थाना क्षेत्र के तिनटेगा करारी गांव में हर घर नल का जल योजना का कार्य करा रहे ठेकेदार मुरारी यादव के मुंशी से देसी कट्टा से लेंस दोपहर बाद गाली गलौज कर देसी कट्टा सटाकर पॉकेट से 500 रुपए छीन लिया गया तथा मुंशी के कहने अनुसार अपराधी कह रहे थे कि ठेकेदार को बुलाओ और मुझे रंगदारी दिलवाओ नहीं तो तुम्हें काम नहीं करने देंगे। वहीं मुंशी को गोली मारने की धमकी भी दी गई है ठेकेदार मुरारी यादव द्वारा। इस बाबत नवगछिया के गोपालपुर थाने में लिखित आवेदन देकर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। नवगछिया में 84 लोगों पर किया गया जुर्माना। नवगछिया एसपी स्वप्नाजी मिश्राम के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर सघन मास सिकिंग अभियान चलाया गया। सोमवार को मास सिकिंग अभियान में विभिन्न थाना क्षेत्र से कुल 84 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थल पर गतिविधि करने पर जुर्माना किया गया। सभी से पुलिस ने कुल 4200 रुपए जुर्माना वसूल किया है। वहीं जांच अभियान के दौरान एक वाहन से 1000 रुपए भी जुर्माना वसूल किया गया है। प्राथमिकी अभियुक्त गिरफ्तार। नवगछिया के परवत्ता थाना क्षेत्र के जगतपुर निवासी कार्य यादव को परवत्ता पुलिस ने छापेमारी कर उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। परवत्ता थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव ने बताया कि कार्य यादव प्राथमिकी अभियुक्त था। वह लगातार फरार चल रहा था। पुलिस द्वारा छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाएगा। गोपालपुर मद निषेध मामले के आरोपी गिरफ्तार। गोपालपुर पुलिस ने मद निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के मामले में फरार चल रहे आरोपी धरारा निवासी मुन्ना सिंह उर्फ रूपक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद गोपालपुर पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे मंडप बुफे काउंटर हाई टी डीजे फ्लोर रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड रेडियम बोर्ड नेम प्लेट नंबर प्लेट ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट गौशाला रोड पुरानी गैस ऑफिस के सामने नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773-9943-67-170। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई फर्स्ट फ्लोर ऑटो स्टैंड नवगछिया NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल चाउमीन मोमोज बिरयानी नूडल्स
सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़ स्टेशन के सामने, नवगछिया। नवगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437।